बिल्कुल सचिन, सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो नेता हैं, जाट नेता संजीव बालियान साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की अभी तक की जो तस्वीरें हैं, जानकारी है अभी तक मिल रही है 6 विधानसभाओं में, कहाँ कांटे की टक्कर लग रही है? कांटे की टक्कर तो सब जगह है, चुनाव तो कांटे का ही होता है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह है कि बढ़िया माहौल है और पॉजिटिव हवा में बढ़िया खुशबू है, आप ये कह सकते हैं, बढ़िया लग रहा। जब बढ़िया लगे मन को तो इसका मतलब कुछ ठीक होने जा रहा। जब किसान आंदोलन के बाद ऐसी खबरें आती थी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो अब क्या समीकरण बदल गए हैं या अभी भी नाराजगी? कुछ प्रायोजित तनाव होते हैं जो पैदा किए जाते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में हैं। अब बदतमीजी शुरू करें वो ठीक नहीं होती बात, पहले लाड़ से रहो, प्यार से रहो, भाईचारा से रहो। चुनाव एक दिन का आज नहीं बढ़ जाएगा, हम अपने गाँव में कल जो वोट दे रहा वो भी प्यारा नहीं दे रहा, अगली बार देगा वोट, कोई दुश्मनी थोड़ा हो जाए वोट ना देने से, लाड़ प्यार से रहो। ये लोग तनाव पैदा करना चाहते हैं, बाहर रहते हैं ना इसलिए तनाव करना चाह रहे हैं, हम आपस में यहाँ रहे, हम नहीं चाहते तनाव। 6 में से आप कितनी सीटें जो है आंक रहे हैं कि यहाँ पर मेरा बस चला तो 6 में 6 जीतू, बाकी जनता का जैसा आशीर्वाद होगा बढ़िया रहेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है बाकियों के मुकाबले जो मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा कम है, धूप सी लिकड़ेगी, बढ़ जाएगी वोटिंग परसेंटेज, मुझे उम्मीद है। और दर्शक देख भी रहे होंगे टीवी, तो मैं एक बात और कहूँ, कुछ बूथ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ पर शांति है। जहाँ शांति भाई आप भी लिकड़ जाओ, जितने जहाँ जितनी वोट हो रही है उस हिसाब से बढ़िया वोट करो, बाहर निकल के यही बढ़िया रहेगा जी। तो ये संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री जो कि अपना वोट डालने के लिए आए हैं और उनके साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं जो इनके साथ ही वोट डालेंगे, और साथ में जो एक दूल्हे हैं वो उनकी बारात जानी थी आज, लेकिन बारात को ले जाने से पहले वो यहाँ पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं और उसके बाद जो है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे बुज़ुर्ग महिलाएं आ रही हैं और थोड़ा मौसम भी बदल गया है, ठंड हो गई है, लेकिन बावजूद इसके जो है लोगों के अंदर अब जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो घरों से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और लगातार जो आप देख रहे हैं, पहले जिस तरीके की तस्वीरें थी कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब लाइन लगने लगी है निकल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि पहले मतदान फिर सुरक्षा के लिहाज से आप देख दूल्हे की तस्वीर नजर आई कि वो अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आया है। वहीं अब एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर नजर आई। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।